हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पीनेस विद प्राची। और मेरे वीडियो का आज का टॉपिक है, हम 1 से 2 साल तक के बच्चों का जो वेट है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो सामने वाला हमसे ये बोलता है कि हमारा बेबी बहुत ज़्यादा पतला है, आप इसे खिलाते नहीं हो क्या, इसका वेट क्यों नहीं बढ़ रहा, ये खाना नहीं खाता क्या प्रॉपरली। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा बेकार लगता है जब कोई हमारे बेबी के बारे में ऐसा बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा पतला है। तो क्या हमारा बेबी एक्चुअल में इतना ज़्यादा पतला है कि लोग उसे पतला बोल रहे हैं, या फिर वो सिर्फ लगता है कि वो पतला है। इसका पता आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपके बेबी का जो वेट है, जब वो 1 साल का हो गया उस वक्त उसका जो वेट है वो 3 गुना हो जाना चाहिए अपने बर्थ वेट का। यानी कि जब वो पैदा हुआ था उस टाइम पे अगर उसका वेट 3 kg था, तो अब 1 साल के बाद में जो उसका वेट है वो 9 kg हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो बेबी का वेट है वो आइडियल वेट है या नहीं। आपके बेबी का जो वेट है वो बर्थ वेट से 3 गुने से कम है, तो आपको सोचने की जरूरत है, आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया है कि आप किस तरीके से अपने बेबी का जो वेट है वो इंक्रीज कर सकते हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अब जो मैं आप लोगों को टिप्स बताने जा रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इजी टिप्स है, बस आपको उनको रेगुलर फॉलो करना है। अगर आप रिजल्ट चाहते हो, आप रियली में चाहते हो कि आपके बेबी का वेट इंक्रीज हो, तो आप इन टिप्स को एटलीस्ट 1 मंथ तक फॉलो कीजिए। और मैं बोल रही हूँ आपको, विद इन 1 वीक में ही आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी टिप्स है और ये आप इजीली फॉलो कर सकते हो। क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना, आप जो अपने बेबी को खाना दे रहे हो उसमें ही थोड़ा बहुत चेंजेज करना है। तो अब मैं आप लोगों के साथ बताने जा रही हूँ टिप नंबर 1, यानी कि जब आपका बेबी सुबह मॉर्निंग में जगता है उस वक्त आपको उसको मिल्क एंड बिस्किट बिल्कुल भी नहीं देना है, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो। कई बार क्या होता है कि हम बहुत बिजी होते हैं और हम हमारे बेबी को उस टाइम पे मिल्क एंड बिस्किट दे देते हैं, तो हमको यही नहीं करना है। हमें मिल्क और बिस्किट इसलिए नहीं देना है कि जब बेबी मॉर्निंग में जगता है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता है, और रात भर उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ होता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो उस वक्त अगर हम उसे अच्छा खाना देंगे, मिल्क बिस्किट की जगह आप उसे शेक दीजिए मॉर्निंग में। जब भी वो सो के जगता है आपको उसको शेक बना के देना है। शेक आप बनाना का बना सकते हो, मैंगो का बना सकते हो, एप्पल का बना सकते हो, या जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है आपको उसका शेक बना के बेबी को देना है। अब जब शेक आप बना रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। जैसे आप आलमंड ऐड कर सकते हो, कैश्यू ऐड कर सकते हो, किशमिश ऐड कर सकते हो, अंजीर ऐड कर सकते हो। इन सबको आपको नाइट में ही भिगोकर रख देना है, और मॉर्निंग में जब आप शेक बना रहे हो उसमें ऐड कर दीजिए। ये जो शेक बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा, हेल्दी होगा, तो बेबी का जो वेट इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि बच्चा जब सो के जगेगा उस वक्त उसे कुछ हैवी खाने को मिलेगा, तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपको बेबी के वेट में दिखाई देगा। सेकेंड चेंजेज जो आपको करने हैं वो ये है, आपको अपने बेबी को रोटी नहीं देनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने रोटी के लिए मना कर दिया है तो आप उसे क्या देंगे। आप रोटी की जगह बेबी को पराठा बनाइए, क्योंकि पराठा थोड़ा हेवी होता है रोटी की बजाय, रोटी में कुछ भी नहीं होता है। एंड पराठे बनाते टाइम आपको क्या करना है कि आपको उसमें थोड़ा सा देसी घी एंड अजवाइन ऐड कर देनी है। इससे क्या होगा कि जो पराठा बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, एंड अजवाइन से बच्चों को पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी, वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। अब जब आप बेबी को पराठा दोगे तो आप चाहो तो उसे बाइट्स में दे सकते हो। आप छोटे छोटे बाइट्स करके उसे दीजिए, उसको खुद से खाने दीजिए। जब वो बाइट्स से खाएगा ना तो इसका भी इम्पैक्ट आपको देखोगे, बेबी के वेट में आपको दिखाई देगा। जब आप बेबी के डाइट में पराठा ऐड करोगे तो चेंजेज आपको बहुत जल्दी दिखाई दे जाएंगे। थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर पॉइंट्स की तरह, आप जब बेबी को खाना देते हो उसमें वैरायटी ऐड कीजिए। आप वैरायटी ऐड करोगे तो क्या होगा, बेबी का जो इंटरेस्ट है ना फूड में वो हमेशा बना रहेगा, उसे बोरियत फील नहीं होगी और वो इंटरेस्ट के साथ खाना खाएगा। तो बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे इसलिए आपको वैरायटी में उसे फूड देना है। ये ही नहीं करना कि आपने आज जो सेम फूड दिया वो आप कल भी उसे दे रहे हो, अगले दिन भी आप वही दे रहे हो। इससे क्या होगा, बच्चे का जो खाने का मन होगा वो खत्म हो जाएगा। जहाँ वो पेट भर के खाना खाएगा वहाँ वो बहुत कम खाना खाएगा। तो वैरायटी में आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर आप दाल बना रहे हो तो उसमें ऐड कभी पालक की दाल बना ली, कभी मिक्स दाल बना ली, कभी आपने ग्रीन दाल ऐड कर दी जिसमें ब्रोकली ऐड कर दिया, आपने पी ऐड कर दिए, या फिर आप अगर राइस बना रहे हो तो कैरेट पोटैटो राइस बना दिया, कभी आपने चुकंदर ऐड कर दिया राइस के साथ, या फिर कभी आपने रेड वाली दाल बना ली जिसमें मसूर की दाल जो होती है उसमें कैरेट ऐड कर दिया, चुकंदर ऐड कर दिया। इस तरीके से आप वैरायटी में ऐड कीजिए बच्चों के खाने में।
दाल भी अगर आप उन्हें देते हो तो डिफरेंट डिफरेंट दाल बनाइए, सब्जी आप देते हो तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सब्जी बनाइए। और हाँ, एक चीज का जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है, जो भी चीज आप उसको खाना बना रहे हो उसमें हमेशा घी का तड़का दीजिए, आप ऑयल मत यूज में लीजिए, हो सकता है तो आप घी यूज में लीजिए, क्योंकि घी के तड़के से बेबी का जो वेट है उसमें काफी इंप्रूवमेंट आएगा, बेबी का जो वेट है वो काफी इंक्रीज होगा। और हो सकता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बेबी को खाना बनाने के बाद में हाफ स्पून घी उसके खाने में ऐड कर दीजिए, ये काफी ज्यादा हेल्दी होगा, काफी ज्यादा हेवी होगा, आपको डेफिनेटली आपके बेबी के जो वेट में काफी ज्यादा चेंजेस दिखाई देंगे। जब आप अपने बेबी का खाना घी में बना रहे हो, आप उसमें वैरायटी ऐड कर रहे हो, तो ये जो चेंजेज आप करोगे तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा बेबी के वेट में दिखाई देगा, और बेबी भी काफी ज्यादा टेस्ट लेके खाएगा, पेट भर के खाएगा, तो डेफिनेटली उसका वेट इंक्रीज होगा ही होगा। मेरा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको बेबी को एटलीस्ट 400 ml से 600 ml तक ही मिल्क देना है, उससे ज्यादा मिल्क आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा मिल्क दोगे तो क्या होगा, जो बेबी का पेट है वो मिल्क से ही भर जाएगा, मिल्क से भर जाएगा तो वो सॉलिड बहुत कम खाएगा, और मिल्क से बेबी का वेट इतना नहीं इंक्रीज होगा, बेबी को सॉलिड भी खाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर बेबी को हर तरीके से जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे तो बेबी की जो शरीर होता है उसमें आयरन की कमी बहुत ज्यादा हो जाएगी, एंड बेबी का वेट भी गेन नहीं होगा, इसलिए आपको जो मिल्क का इंटेक है वो 400 ml से 600 ml तक ही रखना है, इससे ज्यादा आपको मिल्क नहीं देना है बच्चों को। मेरा फिफ्थ पॉइंट जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको आपके बेबी के जो खाना है उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप ऐड कर सकते हो वॉलनट, कैस्यू, आलमंड, किशमिश, फिग यानी कि अंजीर, अंजीर बहुत अच्छी होती है वेट इंक्रीज करने में। ये सारी चीजें आप अपने बेबी के जो डाइट है उसमें ऐड कीजिए, आपको डे में एटलीस्ट वन वन करके तो ये सारी चीजें देनी ही है। अब आप सोच रहे होंगे अगर आपका बेबी नॉर्मली खा लेता है जैसे आपने उसे दिया और वो खा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट इन केस अगर आपका बेबी नॉर्मली नहीं खाता है तो आपको क्या करना है, इन सबका पेस्ट बनाना है, शेक में आप ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो उसे मिल्क के साथ भी मिला के दे सकते हो, आप उनका पाउडर बना के रख सकते हो, आप रात में भिगोकर यूज में ले सकते हो, बट आपको यूज में जरूर लेना है, आपको डे में एटलीस्ट बेबी को वन आलमंड, वन कैश्यू, वन वॉलनट, आपको किशमिश ये अच्छे से खिलाना है बच्चों को, उनकी डाइट में ये ऐड होना चाहिए, और आप देखोगे कि रिजल्ट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आपको करना है, आप बेबी के खाने में चीज, पनीर भी ऐड कर सकते हो, आप पनीर किसी भी सब्जी के साथ ऐड कर सकते हो, पनीर के पराठे बना सकते हो, चीज उसको थोड़े से खाने के लिए दे सकते हो, आप दही ऐड कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको अपने बेबी के खाने में ऐड करनी है, और मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने ये चीजें अपने बेबी के खाने में ऐड करते हो तो आप इनका रिजल्ट बहुत ज्यादा जल्दी आपको मिल जाएगा। और जो लोग बोलते हैं ना हमारे बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करते हो इन टिप्स को, ये बहुत ज्यादा इजी टिप्स है और इनका रिजल्ट है वो 100% वर्क करता है, और इसमें हमें कुछ भी ऐसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस हमें कुछ चेंजेज ही करने हैं हमारे रूटीन में, हमारे बेबी के खाने में जो भी हम उसे दे रहे हैं, और इनका रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा इमिडिएटली मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मेरी सारी वीडियो की अपडेट आप लोगों को रेगुलर मिल सके।